द कश्मीर फाइल्स के बाद निर्माता निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस फिल्म को रुकवाने के लिए कांग्रेस और केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने काफी मेहनत की है। द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसमें केरल की महिलाओं की तस्करी और धर्मांतरण कराकर उन्हें आतंकवाद की आग में झोंकने की कहानी को मार्मिक तरीके से पेश किया गया। ये फिल्म 5 मई 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ट्रेलर की शुरुआत केरल के हंसते खेलते हिंदू परिवार से की गई है। यहाँ एक माँ अपनी बेटी शालिनी उन्नी कृष्णन को हाथ से खाना खिलाते हुए उसे प्यार करती हुई नजर आ रही है। लड़की भी अपने परिवार के साथ बेहद खुश है। ट्रेलर में शालिनी से पूछा जाता है कि ISIS कब ज्वाइन किया। इस पर वो कहती है कि ISIS कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए क्यों और कैसे ज्वाइन किया ये जानना जरूरी है। इसके बाद दिखाया गया कि शालिनी उन्नी कृष्णन को कैसे एक मुस्लिम शख्स अपने प्रेम जाल में फंसाता है, उससे इस्लाम कबूल करवाकर शालिनी से फातिमा बनाता है और उसका निकाह उससे करवाया जाता है और फिर उसे आतंकवाद की आग में झोंकने की कहानी है। इसमें शालिनी के अलावा केरल की हजारों महिलाओं की तस्करी धर्मांतरण की दिल दहला देने वाली क्रूरता भी दिखाई गई है। इसके माध्यम से राज्य की ISIS कनेक्शन का पर्दाफाश करने की एक शानदार कोशिश की गई है। ट्रेलर में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री VS अच्युतानंद के एक बयान का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि अगले 20 वर्षों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। फिल्म में शालिनी उन्नी कृष्णन का मुख्य किरदार अभिनेत्री अदा शर्मा ने निभाया है। विपुल अमृतलाल शाह और निर्देशक सुदीप सेन ने इस भयावह सच्ची घटना को बड़े पर्दे पर उतारने के लिए कई सालों तक गहन रिसर्च की है। मार्च 2022 में सुदीप सेन ने बताया था कि 2009 से केरल और मैंगलोर की लगभग 32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई धर्म से इस्लाम मजहब में कन्वर्ट किया गया। उनमें से ज्यादातर सीरिया, अफगानिस्तान और हक्कानी प्रभावशाली क्षेत्रों में पहुंचाई जाती हैं। सुदीप्तो को रिसर्च के दौरान ये भी पता चला कि अपहरण और तस्करी के जरिए गायब हुई कुछ लड़कियां अफगानिस्तान और सीरिया की जेलों में पाई गईं। इनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी ISIS के आतंकवादियों से की गई और उन्हें सेक्स स्लेव बनाया गया था। द केरल स्टोरी फिल्म का द कश्मीर फाइल्स जैसा विरोध हुआ था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।